हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का प्रदर्शन आज उस समय उग्र हो गया जब पुलिस ने किसानों को शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम करने से रोका। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ दी और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। तो आखिर क्या है किसानों की मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलवीड़ा समेत तीन किसानों की जेल से रिहाई की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस किसानों की धक्का मुक्की हुई, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ट्रैक पर बैठ गए और किसानों ने अम्बाला लुधियाना रेलवे मार्ग बंद कर दिया, जिससे अम्बाला कैंट से निकलने वाली 36 ट्रेन प्रभावित हुई और 11 ट्रेन रद्द करनी पड़ी। इससे यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता, हम शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। अगर फिर भी रिहाई नहीं हुई तो हम अन्य स्थानों पर भी ट्रेनें रोकेंगे। बता दें कि किसान हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपने तीन साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि एक हफ्ता पहले पंजाब और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। आज सिर्फ शंभू स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम किया गया है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो पंजाब में कुछ और जगह भी रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर नवदीप सिंह, अनीश खटकर, गुरकीरत सिंह को मंगलवार देर रात तक रिहा नहीं किया गया तो बुधवार को शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा।